हेलो फ्रेंड्स, साहब सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? मैं हूँ संविदा और आज 10th फेब है और मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। सो मैं सुबह उठती जल्दी चलती तो नहीं, लेकिन 9:30 बजे तो मैं नहा वहा के पूजा वूजा कर चुकी हूँ और अब मैं आ गई हूँ खीर बनाने। आरिफ अभी तक सो रहा था लेकिन आई थिंक अब वो उठ गया कि मुझे उसकी आवाज़ आई अंदर से, लेकिन डैडी उसके पास है तो नॉट टू वरी। सो मैं जल्दी जल्दी खीर बनाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ उसके पास, वह खीर चढ़ा देती हूँ फिर जाती हूँ उसके पास। हमारे आरिफ सिंह सो के उठ चुके हैं, अब इसको लेके जाते हैं, इसकी मालिश वालिश करते हैं, नहलाते धुलाते। हाँ, फिर धूप भी निकली रहेगी तो हम लोग बाहर जाएंगे सोनू। हाँ भी, क्या गाना गाए थे, गा के सुना तो सबको, कुछ बोल रहे थे ना, कैमरा देख के थोड़ा शाई हो जाता है। क्या देख रहे हो? जय 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 कर लो, जय भगवान जी, जय भगवान जी। देखे स्माइल कर दो ना, देखो ओए भाई साहब, चलो चले मालिश कर दे, चलो आ जाओ, चलो चले मालिश करें। खड़े जाओ। नहीं नहा के रेडी हो गए बदमाशू बच्चा। कपड़ा पहना दूर भर के, इतना रो रहा था कि भूख लगी और दूध दे दो तो नहीं पी रहा है, अब खेल रहा है। बजा पियानो अपना, बजा लो। Elephant. Lion. हम लोग जल्दी से मंदिर आ गए, जब तक आरिफ अच्छे मूड में, थोड़े भगवान के जी के दर्शन करके फिर घर चलते हैं। मंदिर में दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से पूजा हुई और प्रसाद भी था, तो हम लोग का लंच भी हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं घर, पापा एंड आरिफ आगे निकल चुके हैं, अब आई थिंक घर ही जाएंगे हम लोग। आरिफ सो रहा है, पापा उसके साथ गाड़ी में, और मैं आ गई हूँ टीजे मैक्स अपने लिए पर्स देखने, मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट भी हो जाएगा, देखते हैं। हम लोग घर आ चुके थे अप्रॉक्स 1:30-2 के आसपास, उसके बाद आरिफ बहुत खेला, उसको नींद आई थी लेकिन वो सो नहीं रहा था, उसको सुलाने में बहुत मेहनत लगी, फिर वो सो गया। अभी इसको 1.5 घंटे हो चुके हैं सोने के लिए, लेकिन वो उठेगा तो उस पर पूरा टाइम जाएगा, तो 6 बज रहे, इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ अपना डिनर रेडी करने के लिए। डिनर में इतना कुछ तो नहीं बन रहा, मैं खीर बना चुकी हूँ और छोले भटूरे बनेंगे, तो छोले मैंने चढ़ा दिए, फिर मैं बाकी स्टार्ट करती हूँ। भटूरे का आटा मैं गूंथ के गई थी यहाँ से पहले से ही, और मैं अपने लिए क्या एज अ गिफ्ट लेके आई हूँ एनिवर्सरी का, तो मैं एक ये परफ्यूम लेके आई हूँ, ये कुछ एलिमेंट एडिशन है, मुझे नहीं मालूम कौन सा ब्रांड है क्या है, तो जो लिखा पूरा पढ़ के बता रही हूँ। ये एलिमेंट एडिशन 6 है सफायर का, सो ये है, उसकी बहुत प्यारी खुशबू है, तो दिस इज व्हाट आई गॉट फॉर माय सेल्फ। मजा आती है, सो मैं ये एक परफ्यूम लेके आई हूँ।
और एक मुझे बैग लेना था। बैग में कुछ और ही लेने गई, थोड़ा बड़ा साइज लेने गई थी क्योंकि हम लोग इंडिया आएंगे तो एक बड़ा बैग लगेगा इसका सारा सामान कैरी करने के लिए फ्लाइट में। लेकिन मुझे बड़ा बैग ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया तो मैं एक छोटा सा लेके आई हूँ, क्यूट सा। सो ये स्लिंग बैग है, बहुत ही प्यारा। आजकल ये ब्रॉड बेल्ट का चल रहा है तो मैंने ये लिया है, स्टीव मैडन का। इसमें इसको तीन टाइप से कैरी कर सकते हैं, एक ये पतलू से बेल्ट के साथ ऐसे, तो दिखेगा कि नहीं फ्रेम से बाहर जा रहे पर स्टिल ये है। देन इसको इस टाइप से भी कैरी कर सकते हैं ये ब्रॉड बेल्ट के साथ। दिस छोटू सा इसमें ये केस भी है, एयरपोर्ट का केस है ये छोटू सा। और इन केस अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं इनको निकाल के इसका छोटू से कैरी कर सकते हैं। छोटू कितना प्यारा है, इसका कलर बहुत प्यारा है, पिंकिश सा कलर है। आई वुड से लेवेंडर टाइप कुछ कलर है इसका। लेकिन हाँ ये है एक मेरा बैग, तो मेरे बैग के कलेक्शन में भी ऐड हो गया छोटू सा क्यूट सा। सो हाँ मैंने ये दो चीज़ खरीदी अपने लिए, इन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा, इन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए तो इट्स ओके मुझे चाहिए होता है तो मैं ले लिया। सो ये मेरी शॉपिंग है आज की। अब मैं चलती हूँ, डिनर रेडी करती हूँ जल्दी आरिफ के उठने से पहले। तो डिनर बन चुका है, हम लोगों ने डिनर कर भी लिया है। छोले भटूरे बने थे एंड खीर बना था, राइस था जो कि बहुत ही यम्मी बना था। आपको कैसा लगा था? अच्छा, टेस्टी था। तो अच्छा बना था, लेकिन मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं ली क्योंकि आरिफ पता नहीं क्यों आज शाम से थोड़ा रो रहा था। तो खाना बनने के बाद हम लोगों ने जल्दी खा लिया, आरिफ अच्छे मूड में था। मैं आपको दिखाती हूँ बदमाशू क्या कर रहा है। बदमाशू हाय हाय, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ हाय हाय सोनू हाय। चलिए अभी थोड़ा ये अच्छे मूड में तो इसके साथ थोड़ा हम लोग खेलते हैं एंड फिर इसको दूध दूध पिला के सुलाने की कोशिश करेंगे टाइम से ताकि सो जाए। सो हम लोग की एनिवर्सरी ऐसे ही मनाई हम लोग ने, छोटा बेबी के आने के बाद ऐसी होती है कि हम लोग ऐसा कुछ खास कर नहीं पाए। मंदिर चले गए थे लेकिन हम लोग आज मंदिर गए थे, फिर घर में मैंने थोड़ा स्पेशल डिश कुक कर लिया एंड दैट्स इट। सो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, सबके साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।